भारत का संविधान अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा हुए अनुच्छेद 146 एक उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे, परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय में संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से विमर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दो, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसे होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टियों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। तीन, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अनुच्छेद 147 इस अध्याय में और भाग 6 और अध्याय 5 में इस संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवांग प्रश्न के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है अथवा किसी सप्रिसद आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के निर्वाचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न के प्रति निर्देश है। अध्याय 5 भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 एक भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसकी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दो, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस परियोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तीन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चार, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य
कि सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। 5, इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। 6, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 149, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्य का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारतीय डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखा परीक्षक को प्रदत्त थी या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थी। अनुच्छेद 150, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 150, संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करे। अनुच्छेद 151, संप्रेक्षा प्रतिवेदन। अनुच्छेद 151-1, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 2, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनके राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।